नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भाईजी टेक्निकल। आज आपसे बात करने वाला हूं भारतीय कंपनी इंटेक्स द्वारा लॉन्च किया गया नया प्रोडक्ट जिसका नाम है Aqua S3। कोई नया प्रोडक्ट कोई नई तरह का चीज़ के साथ में नहीं आ रहा है, बस इसमें एक या दो चीज़ की अच्छी चीज़ बताई गई है, वो मैं आपको बता दूँ। फ्लैश पावर इसका नाम दिया गया है, दी फ्लैश पावर फ्रॉम इंटेक्स Aqua S3, क्योंकि इसमें आगे और पीछे कैमरा में दोनों ही तरफ फ्लैश है और फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। तो ये दो चीज़ के साथ में फ़ोन को मार्केट में उतारा है और एंड्रॉयड लेटेस्ट है, और फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं आप सबको इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले बता दीजिए, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टेक रिलेटेड ऐसे वीडियोज़ रोज आते रहेंगे। फ़ोन में बहुत सारे फीचर्स हैं, उससे कॉमन फीचर्स इन्होंने एट ए ग्लांस यहाँ पे दिखाना चाहा है, और कंपनी कहती है कि आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं हमारे नज़दीकी स्टोर या रिटेल स्टोर पे, आपके नज़दीक में जहाँ पे फ़ोन अवेलेबल होगा। रिटेल स्टोर पे मिलने वाला है 5,777 रुपये इसकी कीमत रखी गई है। फ़ोन के कुछ हाइलाइट्स मैं आपको बता देना चाहूँगा। फ़ोन में जैसे इन्होंने बताया, गेम खेलिए, वीडियो करिए, म्यूज़िक सुनिए, आप फोटो कैप्चर कर सकते हैं और नेटवर्किंग जो सोशल नेटवर्किंग उसके साथ कर सकते हैं। तो 2GB 16GB का मॉडल है ये, 1.3 GHz का क्वाड-कोर का स्पेक्ट्रम का प्रोसेसर है, क्योंकि स्पेक्ट्रम बोलते हैं सबसे लो क्वालिटी का प्रोसेसर होता है, तो वो सबसे लो क्वालिटी का प्रोसेसर है, हालांकि क्वाड-कोर का है। डेली यूजेज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप हैवी गेम्स नहीं खेल सकते हो, तो सबको पता है 7,000-6,000 रुपये के मोबाइल में आप इतने अच्छे गेम नहीं खेल सकते, सीयूआई के शॉमी के फ़ोन्स हो ना हो। तो इसमें फ्लैश आगे की तरफ आप देख सकते हैं, ये फ्लैश लाइट दी गई है यहाँ पे, और यहाँ पे कैमरा दिया गया 5 MP का, रियर का कैमरा जो 8 MP का है, 2GB RAM 16GB इनबिल्ट मेमोरी के साथ में आता है, और एक्सपांडेबल आप कर सकते हैं 64GB की तरह। फास्ट चार्जिंग यहाँ पे इन्होंने बताई है कंपनी ने, 2450mAh की बैटरी है, तो एक दिन तो आपका आराम से निकाल देगा नॉमिनल यूज़ के साथ में, और फास्ट चार्जिंग के ऊपर से आप फ़ोन को फटाफट चार्ज कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ आंकड़े नहीं बताए हैं कि कितना फास्ट चार्ज कर सकते हैं, उसके लिए इन्होंने कहा है एक्सपीरियंस करिए हमारे फ़ोन को आपके नज़दीकी रिटेल स्टोर में, यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको फ़ोन लोकेशन आपके एरिया के हिसाब से पता चल जाएगा कहाँ पे आपके एरियाज़ में फ़ोन अवेलेबल, कौन कौन से स्टोर्स में, वहाँ के नाम आ जाएंगे। तो फ़ोन जो 5 इंच के डिस्प्ले के साथ में आता है, HD यानी 720 की रिजोल्यूशन है, कोई नई बात नहीं है, और जो इसके ऊपर जो नेविगेशन की है वो नीचे दी गई है, तो स्क्रीन के ऊपर नहीं है, वो अच्छी बात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही बढ़िया से दी गई है, और इसके अंदर 8 MP का रियर कैमरा है जो कि फ्लैश के साथ में आएगा, और 5 MP का फ्रंट कैमरा है जो भी फ्लैश के साथ में आएगा, तो डे और नाइट कैसे भी मोड में आप फ़ोटो आराम से ले सकते हैं। ब्राउज़ करिए बॉस की तरह, क्योंकि इसमें 4G VoLTE सपोर्ट आता है, जो कि नई बात नहीं है, लेकिन जियो के दीवानों के लिए जियो सिम सपोर्ट करता है, ये अच्छी इन्फॉर्मेशन है। तो ये एक स्पेशल तो नहीं है, लेकिन एक अच्छे से लुक के साथ में आता है, शैम्पेन गोल्ड कलर में फ़िलहाल अवेलेबल है 5,799 रुपये में, और इसकी सार वैल्यू काफ़ी अच्छी लगी है मुझे, जो कि चाइनीज़ फ़ोन में बहुत ज़्यादा रहती है। हेड के लिए 0.458 W/kg 1 g बॉल्ड मास के लिए, और दूसरी बॉडी के लिए जो है 0.662 है W/kg। तो ये बहुत ही बढ़िया है, जो आप चाइनीज़ फ़ोन में देखेंगे तो तकरीबन आपको 1 के ऊपर मिलती है सार वैल्यू, तो उसके हिसाब से अच्छा है। फटाफट फ़ोन के स्पेसिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ। फ़ोन की हाइट जो है 14.66 सेंटीमीटर है, विड्थ 7.3 सेंटीमीटर है, और थिकनेस जो है वो 0.98 है, तो काफ़ी ज़्यादा थिक है दिखने में। तो आपने थोड़ा सा कर्व किया तो बढ़िया से एक साइड में से लुकिंग आएगी इसके ऊपर। 165 ग्राम की है, हाला वजन तो नहीं है बैटरी की इतना कैपेसिटी, फिर भी वज़न काफ़ी है फ़ोन। तो ये 5,777 रुपये दिखा रही कीमत इसकी वेबसाइट पे, दुकान पे जाएंगे तो शायद आपको और थोड़ा सस्ता मिले। फ़िलहाल एक ही कलर में अवेलेबल है, वो है शैम्पेन गोल्ड में, ठीक है। और इसमें जो है रिजोल्यूशन 720 की है, 2 finger touch दिया गया है, और ड्यूअल सिम है, 440 pixel per inch है रिजोल्यूशन। मुझे ऐसा लग रहा है पिक्सल पर इंच का रिजोल्यूशन वेबसाइट पर ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि 720 के लिए इतना होता नहीं है, ये 1080 के हिसाब से दिखा रहा है, लेटेड भी दुकान पे जाके पता चल जाएगा। आप बैक कवर वगैरह इसके अंदर आती नहीं है, स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको मिलेगी बॉक्स के ऊपर। तो 7.0 एंड्रॉयड नोगट के साथ में आ रहा है, स्पेक्ट्रम का 9832 का है प्रोसेसर है, इसके अंदर माली का जीपीयू है MP2 का, और जो मेमोरी है 16GB की इनबिल्ट मेमोरी, उसमें से कुछ फ़ोन ले लेगा करीब 4 से 5 GB, तो उतनी मेमोरी आपको कम मिलने वाली है। फ़ोन के कैमरे के बारे में बताया, 8 MP ऑटो फोकस रियर कैमरा है, 5 MP फ्रंट कैमरा है फ्लैश के साथ में,
फुल एचडी वीडियो प्ले करेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से आप वीडियो कैप्चर भी कर सकते हैं। 2450 एमएच की बैटरी है जो कि आपको 7 से 8 घंटे तक का टॉक टाइम दे सकती है। स्टैंड बाय 100 घंटे तक का है। बाकी कनेक्टिविटी के मामले में डब्ल्यू लैन, ब्लूटूथ, जीपीएस, एफएम रेडियो, 3.5 का जैक, यूएसबी है, तो ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी है। सेंसर्स के मामले में थोड़ा कमी लगी है मेरे को, जी सेंसर्स, लाइट एंड प्रॉक्सिमिटी, तीन ही सेंसर्स दिया है। कुछ वैल्यू एडेड सर्विस के नाम पे आपको बहुत सारे थोड़ा तीन चार एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट डाल दिए गए हैं जो कि और आपकी मेमोरी को कैप्चर करेंगे। सारे वैल्यू काफ़ी पसंद आई मुझे। हैंडसेट मिलेगा आपको बॉक्स के अंदर, बैटरी मिलने वाली है, और स्क्रीन गार्ड मिलने वाला है, ईयरफोन मिलेगा, अडेप्टर मिलेगा, यूएसबी केबल मिलेगा और यूज़र मैनुअल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। फ़ोन देखने में बढ़िया है और इसके अंदर सिम इजेक्टर पिन नहीं है, इसका मतलब इसकी बॉडी जो है बैक से निकलती है और सिम इंसर्शन करने के लिए जगह है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा फ़ोन के बारे में। अगर आपका बजट कम है तो आप फ़ोन को जाके ले सकते हैं, नज़दीकी रिटेल स्टोर्स में इंटेक्स के फ़ोन मिल जाते हैं इजिली और बहुत ही ज़्यादा प्रचलित भी हैं भारतीय मार्केट में। चलिए भाई जी टेक्निकल देख लें, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।